इसमें फोर पार्ट्स हम पहले ही कर चुके थे, ये फिफ्थ पार्ट करेंगे। इसमें भी हमें अननोन वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ दो अननोन वैल्यूज हैं, एक तो ए और एक दूसरी बी, ठीक है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। तो इन सब चीज़ों को यूज करके अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं उतनी चीज़ें आप यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें दो अननोन वैल्यूज हैं ए एंड बी, ठीक। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे बी से अभी कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो फिगर को कैसे देखना है उसके लिए मैंने आपकी ये थर्ड साइड हटा दी है। अब आपको ये फिगर क्लियर दिख रही है, राइट। इसमें आप 110 और ए के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि 110 प्लस ए जो है वो मिलके कितना बनाता है, 180 डिग्रीज क्यों बनाता है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स, और वो भी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स हैं और वो भी स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्रीज का बनता है। तो इसको यूज़ करके आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 माइनस 110, 110 की साइड चेंज कर दी, माइनस में बदलिया, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, राइट। अब मैं दोबारा से इस लाइन को ज्वाइन कर देती हूँ, ये था 2b एंड ये था 3b। अब हमें ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो मैं ए को यहाँ से हटा देती हूँ, तो आपको बी वाले जो अननोन वैल्यूज है वो आपको साफ नजर आएंगे। अब देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करके देख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, व्हाट दिस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेज, कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। मीन्स 110 जो है वो किसके बराबर है, 2b प्लस 3b, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो इन दोनों के सम के इक्वल टू होगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल यूज कर रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल की जो है प्रॉपर्टी वो भी लेंगे हम। सो 110 दोनों के साथ एक ही वेरिएबल है, इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, 3 प्लस 2 5, बी दोनों में कॉमन है तो हमने बाहर निकाली। बी की वैल्यू लेते हैं 110 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। मल्टीप्लाई का नंबर है, यहाँ डिवाइड में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में चेंज होता है, राइट। 5 1 5 5 2 10 एंड 5 2 10, ये हो जाएगा आपका 22। देखो बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22 डिग्रीज। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग ये वाला पार्ट जो है इसके नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू हमारी 22 निकल गई, तो अब 3b एंड 2b आपको फाइंड आउट करना है। 3b मीन्स 3 into b, 2b मीन्स 2 into b। सो बी से मल्टीप्लाई करिए 22 को, दिस विल बी 66, एंड 2 से मल्टीप्लाई करिए 22 डिग्रीज को, दिस विल बी 44। तो हमारे पास तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, ये 70 डिग्रीज का है, ये 44 डिग्रीज का, और ये 66 डिग्रीज का है। देखिए तीनों एंगल्स हमने निकाल लिए, अब एक क्रॉस चेक कर लेते हैं जल्दी से। मैं हमेशा बोलती हूँ क्रॉस चेकिंग करने के लिए, क्रॉस चेकिंग में आपको ये पता लगाना है कि ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं ये सही है या नहीं है। तो अब उसमें हम करते क्या है, तीनों एंगल्स को ऐड करिए। अगर तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्रीज आता है, राइट, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्राइंगल के ये जो तीन एंगल्स हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 होना चाहिए, तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। पहला है हमारा 70, दूसरा है 66, तीसरा है 44। 6 प्लस 4 10 यानी 1, 7 7 14 प्लस 4 18, ठीक है।
तो तीनों को ऐड करके कितना है 180। इसका मतलब हमने क्रॉस चेक कर लिया, हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको फिगर देखनी है और किस तरीके से उस फिगर को सॉल्व करके आपको अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।